बिन मतलब अखबार चैनल पे आप सबका स्वागत करते हुए मैं वरिष्ठ युवा पत्रकार करण बहल आप सबको बताना चाहूंगा कि कल वाले रिपोर्टर को मारे किसी ने लात है, अब आपका और हमारा होने वाला साथ है, तो आपका करते हुए अभिनंदन, घिसो बदन पे चंदन। हम करने वाले हैं सवाल जवाब का सिलसिला, सवाल आपके जवाब किसी और के। तो तू क्या करेगा? तेरे को बुलाया किसी ने? हम चलते हैं वीडियो की ओर। मतलब बेशर्मिक में हद होती है ना, हद पार कर दी तुमने। पानू तेरा सुबह से बैठाया हुआ मेरे को यहाँ पे, ना कोई हाल चाल, ना कुछ, ना पानी। इससे से मैं घर ही बैठ जाता, घर बैठ के रील बना देता अपनी। मगर रील भी क्या बना, तो वो भी 5-10 मिनट में मरी जानी थी। चलो घर वाला को तो लग रहा है बेटा सेलिब्रिटी वाली फील लेने गया है, मगर कोई देख तो लो सेलिब्रिटी को। हेलो इधर बताओ बेबी, एक फोटो खिंचवा दो इनके साथ में। चल चल फोटो खिंचवा दो, खुद तो ये ट्रोल होते, तेरे को भी ट्रोल कर रहा है। भागेगी बेबी, भागेगी ये साले तेरे से, छोड़ के भागेगी। देखो आराम जदे कुत्ते। ओया कौन है चुकुंदर टपूसी जी मारी जांदा कन्नी देर दा? चल चल धमाला बन गया तू इत्थे। हां इनको ऐसे समझ नहीं आएगा, मेरे को फोन दिखाना ही पड़ेगा। अब देखना कैसे फोटो खिंचा रहे हैं। हेलो, हां हाँ भाई कैसा है? हाँ मैंने वो टॉयलेट प्रो ना ऑर्डर कर दिया था। हाँ वो 2 दिन तक आ जाएगा, तू ले लियो मेरे से यार, कोई बात नहीं, तू रख लियो, मैं नया ले लूंगा। हाँ और मेरी बात सुन, वो जो दुबई वाला हमारा अकाउंट था ना, देखो देखो कितना झूठ बोल रहा है, खुद के पास सिक्स है, टॉयलेट प्रो की बातें कर रहे। हाँ वो जो दुबई वाला था ना हमारा अकाउंट, हाँ वो खुद देख लियो भाई, लॉकडाउन में आ नहीं सकता, तो खुद मैनेज कर लेना ठीक है। 100 रुपए वाली टी शर्ट पहनी है दुबई की बातें। और ना वो जो शाहरुख खान के साथ फिल्म साइन हुई थी ना हमारी, वो पक्की कर दो यार, बाकी को ना मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि फिर शाहरुख भाई गुस्सा कर जाते हैं। हाँ बाकी मेरी बात से मैं कर लूंगा, शाम को बात कर लूंगा शाहरुख भाई, अभी बिजी है वो शूटिंग पे है। हाँ हाँ ठीक है। मतलब गप्पे देख रहे हो इसके गप्पे? तू चली आ, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? जली ना तेरी भी जली ना। यार फोन से भी कुछ नहीं बना। हाँ मैं ऐसा करता हूँ, किसी को ना बुला के पूछता हूँ कि कब तक आएंगे, और इनको लगेगा मैं बोलूंगा मैं बिजी हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो ये देखो प्लीज 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 रुको रुको अभी देखना तुम। एक्सक्यूज मी भैया। हाँ बड़ा बदतमीज है यार भैया। होस्ट कब आएंगे? कौन सा होस्ट? ये जो होस्टिंग करते हैं। काय की होस्टिंग? लगता है अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं है। भैया आप यहाँ पे क्या काम करते हो? ए तू होता कौन है ना, मेरे काम पूछने वाला कौन है रे तू? एजेंट है ना तू? एजेंट है ना तू? मेरे को यहाँ से उठा देगा तू, मारेगा बहुत तेरे को पकड़ के। नहीं नहीं भैया आप जाओ जाओ भैया। बड़ा या थप्पड़ खाएगा जोर से। जब बेइज्जती है यार, आजकल के लोग इतने बदतमीज होते हैं ना, इतने अनपढ़ गवार जाहिर की, इनको पता नहीं किसी के साथ कैसे बात करते हैं, मतलब हद पार करते थे कई बार तो, सारे मुड़ के दही करके रख दी। अब किससे पूछूं यार, पागल हो जा रहा हूँ अकेला बैठा। हाँ इनसे पूछ। हाँ एक्सक्यूज मी सर, सर एक्सक्यूज मी। यस हाउ मे आई हेल्प यू सर? वाओ इंग्लिश। एक्सक्यूज मी सर, माय सेल्फ प्रिंस महल। हाँ जी हाँ जी सर, आपको कौन नहीं जानता, आप तो बड़े, कौन है आप सर? मैं इन्फ्लुएंसर। हाँ मैं समझ गया सर, समझ गया, आपने मेरे को ब्रूस देख के बुलाया ना, फॉर्मल कपड़े देख के मेरे। आई एम इंश्योरेंस कंपनी प्लानर, तो मैं आपको अलग अलग तरह के इंश्योरेंस, यस यस मैं आपको बता रहा हूँ रुकिए जरा, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह पे आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपको सर्विस चाहिए, दिन रात कुछ भी कर रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, धो रहे हैं, जा रहे हैं, आपको हर जगह मैं आपको बता रहा हूँ सर, वेट कीजिए आपको आपके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, बच्चों के 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 बच्चों के लिए। बात सुनिए मेरी, मैं पूछ रहा हूँ होस्ट कब आएंगे? सर मैं आपको बीमा का पहले बता दूं, वो कंप्लीट कर रहा हूं सर। बीमा छोड़ो, होस्ट बताओ। बीमा सर, होस्ट के बारे में बताएंगे आप? बीमा लेना चाहेंगे आप? नहीं सर, बाहर में जाइए। चले कुत्ते की मौत मरेगा तू, कब से दिमाग की खोटी कर रहा है, सुबह से सिर दर्द कर रहा है, ऊपर से तू होस्ट बीमा।
यार क्या है यार, ओ यार एक तो सिर दर्द हो रहा ऊपर से गला, पानी पानी नहीं पीना यार, पानी घर पे पीता हूँ कोल्ड ड्रिंक। छोटू छोटू। हाँ मालिक। छोटे कोल्ड ड्रिंक लेके आया यार। कौन सी? कोक ले। कोक छोटी बड़ी? छोटी, वो तो खत्म है। चाय चाय चाय। हाँ सब चाय 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 देना। मलाई वाली? बिना मलाई वाली? बिना मलाई वाली वो तो बाबूजी खत्म है। तो मलाई वाली दे दे। दूध खत्म है तो पूछ भी रहा है सबसे। नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना कि एक बार ड्रम भर के बनाऊंगा, सबको पिला दूंगा, शिविले लगा दूंगा। अच्छा एक कप चाय भी हो गया। लाओ पैसा दूध ले आऊं। पैसे तो नहीं मेरे पास साले। पैसा नहीं है तो काय का ऑर्डर मार रहा है? छोटू छोटू तेरे बाप का नौकर है मैं। छोटू चुप। जब आएंगे इनसे ले लेना पैसे। जब आएंगे तब चाय पी लेना, जब आएंगे पैसे ले लेना। इतना थप्पड़ मारेगा पता नहीं कहां से मुंह उठा के आते भूखे नंगे लोग। सुबह से लो। इसको एक बार मिलने दे साले को। एक बार मिले मेरे को। कौन है ये हरामी साला? 2000 years later. ये क्या, ये तो सो रहे हैं। सर प्रिंस जी, प्रिंस जी मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त जो आपका लेने वाला आज इंटरव्यू। वेलकम। आप सर होस्ट? हाँ जी मैं ही आपका होस्ट हूँ। मुझे पता है मुझे देखकर आप शॉक हो चुके होंगे बिकॉज मैं आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता देता हूँ आपको। नहीं सर मैं नहीं अभी गिफ्ट गिफ्ट नहीं लूंगा मैं प्लीज आपसे। मुझे पता है मैंने आपको बुलाया और मैं गिफ्ट नहीं लूंगा प्लीज सर। मैं गिफ्ट नहीं लेना चाहता हूँ आपसे प्लीज। आपने जैसे बोला था कि इस बार भी कुछ फन एंटरटेनमेंट आपको चाहिए, हमने थोड़ा सा आपको दिखा दिया। हाँ। बाकी आपको क्यूएनए में भी दिखेगा। हम रात को 3:30 से लगे हुए, 6:30 बज गए हैं, अभी भी व्लॉग कम्प्लीट नहीं हुआ बट आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम इसको जारी रखते हैं। अभी हम चलते हैं क्यूएनए की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं वरिष्ठ युवा पत्रकार आपका दोस्त और होस्ट आज बिना पैसा खर्चे करेंगे आपके सवालों पे चर्चे। तो भाई आज जो भी इनके सवाल थे उनके हम आपको देने हैं जवाब। मेन मेन जो कॉमन वाले हैं वो आपसे ऐसे ही पूछ लेता हूँ, बाकी मैं आपसे आगे पूछता हूँ इनके जो मैंने लिख रखे हैं। तो पहले जो 3-4 सवाल है वो ये है कि आपका रियल नेम क्या है, आपका घर में कितने फैमिली मेंबर्स हो, आप कहाँ के रहने वाले हो और आपकी इंस्टा हैंडल कौन सा है। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं इन लोगों को, मतलब बहुत इश्यूज होते हैं इसके लिए। तो फर्स्टली मेरा रियल नेम है रोहित बहल, मेरा घर का नाम प्रिंस है इसलिए मैंने अपने इंस्टा का नाम भी प्रिंस रखा। और क्योंकि मेरे को ज़्यादा प्रिंस लोग जानते हैं, रोहित के नाम से नहीं जानते। और मैं रहता हूँ लुधियाना में, लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। और मेरी फैमिली में 4 मेंबर है, मम्मा पापा ब्रदर एंड मी। और मेरे इंस्टा अकाउंट है _princebehl99_। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जो अभी तक मेरी फैमिली का पार्ट नहीं बने वो जाके फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अगले सवालों की तरफ। तो सवाल आया है जी काजल शर्मा 2392 से, ये पूछ रहे हैं कि आप 24 आवर्स चैलेंज वीडियो कब बना रहे हो? चैलेंज वीडियो? जी क्वेश्चन आपका अच्छा है, आई लाइक इट। कि हम भी सोच रहे थे कि चैलेंज वीडियो पे कुछ करें। अगर आप भी चैलेंज वीडियो देखना चाहते हैं और कौन कौन देखना चाहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं पता चले कि आप कैसे कैसे वीडियो देखना चाहते हैं। तो बाकी जो पहले कमेंट करो, अगले क्वेश्चन लेते हैं तब तक हम। तो अगला क्वेश्चन आया है जी फैन गर्ल ऑफ प्रिंस बहल 99 से, प्रिंस आपकी और करण की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है और आप आगे क्या करना चाहोगे? अभी तो हम इंस्टा पे एक्टिव है, रील्स बना रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ हम कुछ अपना जैसे YouTube के ऊपर अभी आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, जैसे आप व्लॉगिंग करनी शुरू की है, ऐसे ऐसे जो जो एक्टिव होगा आपको साथ साथ अपडेट मिलता जाएगा। और आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं इन फ्यूचर में। हाँ मतलब आगे जो भी हमारा रहेगा साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे। मैं इसमें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को एक बार इंटरप्ट नहीं कर रहा है, मैं कर रहा था पर ये नहीं कर रहा है। थैंक यू बताने के लिए, अब मैं करूंगा। हाँ विश गन 17 का आया है जी, हाउ मेनी एक्स डू यू हैव? मेरा कमेंट अगर आपने पढ़ा तो उसका आंसर मिलना चाहिए। नहीं हो पाएगा सॉरी, ये नहीं बता सकता मैं, इसे सीक्रेट बताइए ना। नहीं भाई समझा करना यार, सॉरी। तो नेक्स्ट आया है जी सरदार जी 6872 से,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਸਟਲੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਘਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਗਲਤ ਗੁਲਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 83 ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਥਿੰਗ ਔਰ ਪਰਸਨ ਇੰਸਪਾਇਰ ਯੂ ਟੂ ਡੂ ਐਕਟਿੰਗ? ਫਸਟਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋ ਮੈਂ ਸਿਖਾ, ਚੱਲ। ਤੋ ਗਾਇਜ਼, ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ, ਬਟ ਹਮ ਚੜੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ, ਅਕੇਲਾ ਅਕੇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜੇ। ਜਬ ਹਮਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਥੀ, ਵਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਥੀ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਟਿਕਟੋਕ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਰੀਲਸ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਇਸਕੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਯੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਟੁਗੇਦਰ ਬਹਿਲ ਬ੍ਰਦਰ, ਤਭੀ ਬਹਿਲ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਹਮਾਰਾ। ਤੋ ਅਭੀ ਹਮ ਚਲਤੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਤਰਫ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਸੇ। ਵੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋਲੋ ਚਿਪ ਸੇ ਆਪਕੋ ਕਿਤਨੇ ਮਿੰਟਸ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਾ ਥਾ, ਔਰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬਤਾਨਾ ਬਹੁਤ ਤੀਖਾ ਥਾ? ਤੀਖਾ ਸੱਚ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਥਾ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੋ ਹੋਗਾ ਤੋ ਇਨਸੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਹੀ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਇਨਕੋ, ਤੋ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਇਨਕੇ ਤੋ ਆਂਖ ਮੇਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਕੀਆ ਥਾ। ਵੋ ਹਮਨੇ ਵਲੌਗ ਵੀ ਡਾਲਾ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੇਂ ਡਾਲ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੋ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਵੋ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੋ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੋਆ ਥਾ ਹਮਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਮਸਤੀ ਕੀ ਥੀ, ਪ੍ਰੈਂਕ ਮੇਰੇ ਪੇ ਥਾ, ਮਗਰ ਉਲਟਾ ਇਨਪੇ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ, ਸੋ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਮੇਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਾ, ਕਿਆ ਮਿਲਾ। ਵੋ ਆਪ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰੋ, ਤੀਖਾ ਬਹੁਤ ਥਾ, ਬਹੁਤ ਤੀਖਾ ਥਾ, ਮਗਰ ਆਪ ਟ੍ਰਾਈ ਮਤ ਕਰਨਾ ਵੋ ਖਾਣੇ ਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਤੀਖਾ ਥਾ। ਕਰੋ ਤੁਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਈ, ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਸਾ ਖਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤ ਖਾਣਾ, ਵੋ ਸਿਹਤ ਕੇ ਲੀਏ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ 7017 ਕੇ। ਵੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇ ਸਾਥ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਰ, ਹਮ ਦੋਨੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਮ ਸ਼ੋਰ। ਪਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਈ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਤਾ ਹੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਤਾ ਹੂੰ, ਭਾਈ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਤਾ, ਤੋ ਥੋੜਾ ਜਿਤਨਾ ਹਮਸੇ ਹੋ ਪਾਤਾ ਹਮ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੇ। ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਹਮਾਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਮੇਂ ਦੇਖ, ਉਸਮੇਂ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਪੇ ਹਮ ਸ਼ੋਰ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਠੇ ਮੇਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਹਮ ਅਗਰ ਆਪ ਹਮਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਤੋ ਯੂਟਿਊਬ ਕੇ ਉਪਰ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਇੰਸਟਾ ਪੇ ਵੀ ਹਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ, ਟ੍ਰਾਈ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਚ ਆਤੀ ਹੈ ਉਸਕੀ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਮਾਹੀ ਗਲਹੋਟ। ਵੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਨੇ ਕੌਨ ਸੀ ਕਲਾਸ ਮੇਂ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ? ਫਸਟਲੀ ਮੈਨੇ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ, ਮਗਰ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਮੈਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਮੇਂ, ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਥਾ ਵੋ, ਮਤਲਬ ਵੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਸਕਤਾ। ਓਕੇ, ਤੋ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਮੈਮਰੀ ਉਨਕੋ ਬਤਾ ਦੀਜੀਏ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਫਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਬਟ ਆਪਨੇ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਆਪਨੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਲਤੂ ਪਕਵਾਨ ਜਿੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੋ ਜੀ ਅਭੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਕੇ ਪਾਸ, ਪ੍ਰਿੰਸ 555567 ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ Who is your favorite on Instagram? ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਐਸੇ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੋ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਗੇ ਬੜਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਅੱਛੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਬੰਦੇ ਆਗੇ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਉਨਕੋ ਹੱਕ ਆਗੇ ਜਾਣੇ ਕਾ। ਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੋ ਫੇਵਰੇਟ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸਕੋ ਫੋਲੋ ਕਰਾ ਵੋ ਫੇਵਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਜਿਸਕੇ ਹਮੇਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮਕੋ ਐਕਚੁਅਲ ਮੇਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੋ ਉਨਕਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਯੇ ਨਾ ਬਤਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ ਯੇ, ਆਪਣੇ ਸਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਆਪ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਜੈਸਟ ਕਰੋ, ਇਨਕੋ ਬਤਾਓ ਆਪ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰਿਟ ਹੂੰ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰਿਟ ਹੂੰ। ਤੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਾਵਿਕਾ 12361 12361 ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮੌਜ ਐਪ ਯੂਜ ਕਰਤੇ ਹੋ ਬਤਾਨਾ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਵਲੋਗ ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਟ ਪੇ ਬਨਾਨਾ।
फर्स्ट में बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे एक्टिव हैं और किसी ऐप पे एक्टिव नहीं है। अगर कोई ऐप पे आपको हमारी वीडियो देखती है तो वो हमारा फेक अकाउंट है, हम वहाँ पे एक्टिव नहीं है। और जैसे आप कह रहे हो व्लॉग की बात, हमने 2-3 कंसेप्ट सोच के रखे हुए हैं, जैसे हम वो अपलोड कर देंगे साथ ही हम इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी डालेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप कैसे कैसे व्लॉग देखना चाहते हैं, आपसे सजेशन लेंगे। और मुझे आप पे हमारा अगर आगे हमें कोई अप्रोच आती है तो डेफिनेटली हम वहाँ पे ज्वाइन होंगे, तो और आपको साथ साथ अपडेट देते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इट्स नैन्सी 14820, वो पूछ रहे हैं दिल की बात, लव यू, दिल की बात छीन ली तुमने, तुसी जिन्ना साउ दिखदे हो रियल चिन्ने साउ हो। मैं यार बहुत साउ हूँ, ठीक है, तुसी मन्नोगे नहीं, मेरी इंस्टा सॉरी क्या था स्नैपचैट आईडी का नाम भी साउ प्रिंस था, मतलब। तो गाइस आपने वो कहावत तो सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के और हैं दिखाने के तो और हैं। मेरे नहीं है, आपको पता होगा और हैं। यार आपको सच में मैं साउ लगता है नहीं बिल्कुल साउ नहीं है ये इंसान। तो अभी हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल पूछा है मोहित 7820 ने, आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई है? हाँ जी, मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है। ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम में करी है आपने? बीए। इतने हम होशियार हैं नहीं, बीए आर्ट्स में करी है इन्होंने, ठीक है। निक्की V224, आपका एम क्या है? मतलब मैं उस मुकाम पे पहुंचना चाहता हूँ, मतलब जैसे मेरे घर वालों को कोई कमी ना हो, मतलब किसी चीज की कमी ना हो, मतलब मेरे घर वाले प्राउड फील करें मेरे पे कि हमारा बच्चा सक्सेस हो गया अपनी लाइफ में, मतलब किसी की मतलब बंदा एक लेवल कि हर कोई इसका नाम जाने लग जाए, अच्छे कामों से, गलत कामों से नहीं, मतलब। तो अगला क्वेश्चन है मतलब सूर्यवंशी 37 वो पूछ रहे हैं, आप दिन में क्या क्या करते हो? मतलब मैं दिन में पहले उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, नहाता हूँ, सोता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, व्लॉगिंग करता हूँ, और भी बहुत कॉल पे बात करता हूँ, चैटिंग करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, गेम्स खेलता हूँ, मतलब जो रूटीन सबके होता है वो मैं करता ही हूँ। मतलब चलिए, तो अगला क्वेश्चन है ये पूछना चाहते हैं आपसे कि मतलब का मतलब क्या होता है यार। हाँ, क्वेश्चन है सोनाक्षी कपूर 12 ये पूछ रहे हैं, सर तुसी करण सर नाल किन्ना क लड़ते हो? 24/7 24 घंटे लड़ाइयां। हम वो कहते हैं ना जहाँ पे प्यार होता है वहां पे लड़ाइयां होती हैं, हम मतलब हम एक घंटे तक भी बिना लड़े नहीं रह सकते, हमें लड़ना ही लड़ना है, हमारी हॉबी है, मतलब अभी भी अगर हम पैदाइशी लड़ाकू हैं। हाँ, मतलब हमें प्यार भी उतना है, उससे कम लड़ाई है, प्यार ज्यादा है, लड़ाई भी उतना है, कम लड़ाई है, प्यार ज्यादा है, प्यार से सुंदर बंदे, प्यार ज्यादा है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन आ गया है अगला, पूछ रहे हैं कोर सोनाली दोनों दी एक अजिही आदत जड़ी किसे नू नहीं पसंद। असि जिहड़ी गल उन्हें ना मुंह ते कह दिंदे आ, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने बंदे नूं सामने गुस्सा लगे भावें ना लगे आपां कह दिंदे आ, बाकी अगर उन्हें गुस्सा लगा कह भी दिंदा कई मन च रख लैंदे आ, मगर आपां स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिंदे आ। ते सब तो मेन वाली कि आपां किसी सिचुएशन दे हस दिंदे बिना मतलब। हाँ, मतलब किते भी मतलब कोई जिवें दुख होवे किसी नूं बीमार हसी आ जांदे सानूं कंट्रोल नहीं हुंदा, सो वी आर मूव फट एंड हस मुक हस फट 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 फट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो अगला सवाल है फैन पे जो मिस्टर करण 003 वो पूछना चाहते हैं, प्रिंस और करण आप अपनी मॉम की हेल्प करते हो घर के काम में? मैं बहुत करता हूँ, ये नहीं करता। झूठे झूठे, मम्मा ने पूछ लेंगे, कोई हेल्प नहीं करता, ये भी नहीं करता, खा के बर्तन ऐसे कर देता, ये भी नहीं करता। तो झूठ क्यों बोला? मैं करता हूँ। झूठ क्यों बोला? जनता देख रही है, जनता देख रही है, झूठ बोल देगा। अगला क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी करते हैं। अगला क्वेश्चन है शिरु काका, वो पूछ रहे हैं Who is more strict in your family, your father or your mother? यार अभी तो कोई नहीं, जब छोटे थे तब मम्मा पापा स्ट्रिक्ट थे थोड़ा, क्योंकि बचपना था, अब हम उनके मतलब हो गए ना बड़े हो गए, तो मम्मा पापा लाइक अ फ्रेंड था, मतलब हर बात शेयर करते हैं, कोई वो करते नहीं ऐसे। So we are BFF with our family. नेक्स्ट क्वेश्चन है आकांक्षा 1585 का, वो पूछने जाते हैं
आपने लाइफ में कभी क्लास बंक किया है और पकड़े गए हो? बहुत बार हुआ ऐसा, एक बार नहीं बहुत बार, स्कूल में भी हुआ, कॉलेज में इतना होता नहीं, स्कूल में हुआ भाई। तुझे नहीं पता, तू पर्दा भरा अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं निधि घवरी, वो पूछ रहे हैं आपका कोई ऐसा सीक्रेट जो आज तक आपने अपनी मम्मी से भी ना शेयर किया हो। मैं भी सुनना चाहूंगा। ऐसा तो कोई नहीं है, मैं यार हर बार शेयर करता हूँ मम्मा से, बिकॉज आई एम मम्मा बॉय। मम्मा बॉय? हाँ, तो वैसे मम्मा तो मम्मा बॉय होंगे। चलिए आगे, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, आप साथ मत छोड़िएगा। तो सवाल है अगला हमारे पास, जिनके हमारे पास नाम नहीं है, बिकॉज ये उन्होंने बोला था मेरा नाम रिवील मत करना। तो गाइस हम आपकी कदर करते हैं, नाम रिवील नहीं हो रहा है, पर क्वेश्चन आ रहा है आपका। क्वेश्चन है जी, फेम मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? ये कोई पर्सनल बंदे ने पूछा है, बट उन्होंने बोला था नाम नहीं लेना। फेम मिलने के बाद मतलब फेम है लाइक, ये नहीं कि हम बड़े हो गए हैं, एटीट्यूड आ गया, वो नहीं, मतलब फेम मिलने के बाद ये हुआ है कि लोग और ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, लोग सपोर्ट करने लगे हैं, जो मतलब नहीं बुलाते थे वो भी आज बुलाने लगे मेरे को। मतलब कई होते हैं कि फेम के लिए आते हैं, मगर कई होते हैं कि मतलब एक साथ के लिए आते हैं, तो फेम के बहुत अच्छा मेरे को फील हो रहा है, मतलब मेरे को इतना प्यार कर रहे हैं लोग, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और जो चीज़ मेरे को चाहिए होती है, जैसे मैं कहता हूँ आप शेयर करो ये, मतलब अभी हमारे सपोर्टिव हैंड बहुत बढ़ चुके हैं, जैसे पहले हम अगर कहते हैं ना एक राह पे आप चल रहे हो, पहले आप अकेले, आपके साथ बहुत से हाथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बिफोर इंस्टा आप कोई जॉब करते थे क्या? हाँ, मैं पहले जॉब करता था, मैं रेडीमेड गारमेंट्स की जॉब करता, साथ साथ मैं रील्स बनाता था, जब मेरा यहाँ पे काम अच्छा होने लग गया तो मैंने जॉब छोड़ दी। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि शुरू से ये तो मदद से नहीं, नहीं, शुरू से नहीं, हमने बहुत मेहनत कर करके ये आज तक पहुंचे हैं, फिर आपको फिर कभी बताएंगे। सो यू नो दैट रहता जागे जागे दिन चंगे आए, यहाँ अभी भी रातों को व्लॉग बना रहे हैं, बताएंगे आपको, वो भी बताएंगे, स्पेशल व्लॉग बनाएंगे उसके लिए। कभी सेम टाइम पर दो लड़कियों को डेट किया है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। रहने दो, जवाब चाहिए। हाँ यार किया, पहले किया, पहले किया, आपने किया, पहले टाइम में किया, वो तो। अगला सवाल है, आज तक लाइफ में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने दिन बिना नहाए रहे हो? यार सर्दियों में चलता है, सर्दियों में हो जाते कई बार 3-4-5 दिन oh, no. हो जाते अब, मगर दिल मेरा धक धक डो। माई लाइफ एज महक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज फीलिंग एम्बैरेसिंग, बट फिर भी इन्होंने पूछा है आर यू वर्जिन? यस। हक से हम ये गलत कामों से दूर है, मम्मा बॉय का ना, मम्मा बॉय। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कि आप और आपके भाई की कितनी इनकम होती है, मतलब आप मंथली कितना अर्न करते हो? अभी तो इतना मतलब जैसे हमारी घर की फैसिलिटी पूरी हो रही है, इतना तो हो जाता है, मगर अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो पीछे से प्रमोशंस कम आते, वैसे प्रमोशंस आती है, ब्रांडिंग प्रमोशंस आती है यूट्यूब से थोड़ा बहुत, तो मगर अभी थोड़ा काम थोड़ा स्लो चल रहा है, तो इसकी वजह से इतनी इनकम नहीं हो पा रही। बाकी जैसे जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, आगे जैसे आप सपोर्ट करते रहोगे, जैसे हमारे ग्रोथ बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे इनकम तो कोई बात नहीं, बस आपका प्यार चाहिए हमें। वी वांट ग्रोथ। हाँ, ग्रोथ जितनी ऊपर होगी, पैसे तो यार बढ़ जाएंगे, ग्रोथ मुश्किल आने, पैसे तो आते जाते रहते हैं। तो अगला सवाल है जो हमारा आज के सेशन का है लास्ट क्वेश्चन, जो बहुत 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 लोगों ने मेरे डीएम भर दिए हैं, ज्यादा नहीं खेलना है, ये क्वेश्चन तुम्हें सुन लो कि यार लाइव क्यों नहीं आते हो? अच्छा लाइव, यार एक्चुअली पता कि जैसे मैंने आपको बताया कि टाइमिंग इशू होता है थोड़ा, तो मैं कई बार बिजी होता किसी काम में, भाई फ्री होते भाई लाइव आ जाते हैं, मगर मेरे को जितना टाइम मिलता है मैं 5-7 मिनट भाई की लाइव में ही आता हूँ, जरूर आता हूँ बात करने, मगर अब पॉसिबल कि मैं आगे आपके साथ लाइव आऊँ तो आपसे ढेर सारी बातें करूँ, आई एम श्योर पक्का। सो स्टे ट्यून, ये लाइव कब आते हैं हम भी देखते हैं। भाई एक कुछ तेरा ही गया। कौन सा? हम ये है होस्ट, ये भूल जाता है, मैं नहीं भूलता, मैं आपको प्यार करता हूँ, आप मेरे को करते हैं, इसको छोड़ो।
तो सबसे पहले ये आपको बताएंगे अपना डेट ऑफ बर्थ, फिर मैं बताऊंगा, फिर आपको गैस करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। ठीक है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 1999 और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31st अगस्त 2001। मुझे पता है बहुत समझदार हो, आपने समझ लिया कौन बड़ा है कौन छोटा है आप। हाँ। पर अगर तक अभी तक आप नहीं समझ पाए ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, आप समझदार हो, आप हमारी फैमिली हो, आप पक्का समझदार हो, मुझे पता है। बाकी तो है बड़ा, मैं हूँ छोटा, पर लगता है कौन बड़ा, ये बताओ। ये बड़ा लगता है, ये तो बताओ, ये तो बताओ। वैसे मुझे पता है ये बड़ा लगता है, मैं छोटा क्योंकि मैं साऊ हूं ना। क्यों क्यों काटेगा, सब कुछ काट काट काट। So guys, here's the end of our video. Hope you guys love it. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जैसे आप आगे देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, जल्दी जल्दी जाके बताओ। और तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।